अभी

देखिए सोच पाते हो एक कदम एक्स एक्सिस वन यूनिट ऑन द आई कैप एंड वन यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस है फिर एक कदम वाई एक्सिस की तरफ चले वहीं से फिर वहीं से एक कदम जेड एक्सिस की तरफ चल दिए तो अब फाइनली जब आप जिस भी पॉइंट पे हो तो ओरिजिन से उसको कनेक्ट करेंगे तो वो कैसा वैक्टर होगा यूनिट तो नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा इसका मैग्नीट्यूड यूनिट कहाँ आ रहा है वन स्क्वायर वन स्क्वायर वन स्क्वायर रूट थ्री आएगा यूनिट वेक्टर नहीं होगा मतलब उसकी डायरेक्शन कैसी होगी इसे सोचो क्या नहीं नीचे क्यों गया पहले एक्स एक्सिस इस रूम के अकॉर्डिंग देखो ना आप वो तो हमारा एक मजबूरी है कि हमको वैसे बनाना पड़ रहा है बाकी स्पेस तो ये रूम है इस रूम के अकॉर्डिंग देखो थ्री डी हमेशा जहां भी हम बैठे हैं उस रूम में देखा करो

ठीक है ना क्यूब ऐसा होता है क्यूब ऐसा होता है तो देखो इमेजिन करो एक कदम एक्स एक्सिस फिर वहां से एक कदम वाई एक्सिस फिर वहां से एक कदम जेड एक्सिस तो यहां पहुंच गए तो यहां से पहला ओरिजिन यहाँ था यहां से लेकिन यहाँ तक ये जो आपने करोगे क्या ये क्यूब का डायगोनल बन रहा है क्या बन रहा है ना क्यूब का डायगनल बनेगा आई कैब चेके ठीक है चलो वो तो एक, एक एक्स्ट्रा इमेजिनेशन uh, थी हमारी क्वेश्चन तो अगर ये सब ना सोचे तो भी हो जाएगा विद अ यूनिट वेक्टर इस वेक्टर का एक और वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करना है और वो जो दूसरा वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है ये तो नहीं है बट वो एक यूनिट वेक्टर है ठीक है और वो यूनिट वेक्टर कौन है पता नहीं है अब ये यूनिट वेक्टर जो है ना इसके बारे में बताया जा रहा है कि इन दोनों वैक्टर्स के सम के अलोंग जाता है यानी डायरेक्शन तो इन दोनों के सम से मिलेगी डायरेक्शन तो इन दोनों के सम का जो वेक्टर आएगा उसकी लेनी है और यूनिट वेक्टर लेना है। तो, जब होता है तो बस उसका ठीक है ना वेरी इजी और फिर उस cap, उस और इस वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू वन आएगा तो फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा ये लैम्डा आ रहा है ठीक है ना तो इस लैम्डा की वैल्यू निकाल ठीक है चलो शुरू करते हैं तो क्या करें देखो इसको तो ले लेते हैं ए इसको ले लेते हैं बी एंड सी जो गिवन है उसको तो ए बी सी लेते ही हम जब वैसे भी है ना तो लेट द गिवन वेक्टर्स लेट द थ्री गिवन बी ए बी एंड सी लेट द थ्री गिवन वेक्टर्स बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तो ए ले, ले लेते हैं इसको ये डायगनल वाला वेक्टर को ए ले, ले लेते हैं

ठीक है ना डी निकाल दें जो नाउ द सम ऑफ वेक्टर्स बी एंड सी कैन बी गिवन बाय द सम ऑफ वेक्टर बी एंड वैक्टर सी इज अ वेक्टर डी इज अ वेक्टर डी इक्वल टू बी प्लस सी ध्यान से देखना किस किस का सम हो रहा है बी और सी का सम हो रहा है ना तो दोनों को सम कर आप दो स्टेप में लिख देना, बी लिख देना देना पहले फिर सी लिख देना फिर जोड़ देना टू प्लस लैमडा टाइम्स आई कैप फोर प्लस टू तो जुड़ जाएगा सिक्स जे कैप और माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस टू के कैप तो यह वेक्टर डी अब इस सम का भी यूनिट वेक्टर ठीक है ना यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स इन दोनों वेक्टर्स का तो सम कर दिया कहा लिखा हुआ है इसका यूनिट वेक्टर करो प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर सीधे सीधे ये वेक्टर का प्रोडक्ट करवा रहा है ना विथ किससे करवा रहा है इन दोनों के सम के यूनिट वेक्टर से इसका प्रोडक्ट करवा रहा है और प्रोडक्ट इक्वल टू वन आता है ठीक है तो इस वैक्टर छेड़छाड़ तो कर ही नहीं रहा है इसको तो इन दोनों का सम करके फिर यूनिट वेक्टर ले रहा है तो ना अलोंग वैक्टर डी डी वैक्टर के अलोंग यूनिटर जो होगा उसको कैसे डिफाइन करेंगे उसको डी कैप से डिफाइन करेंगे कैसे डिफाइन करेंगे डी कैप जो कि हम सब जानते हैं कैसे निकाला जाता है

सिक्स का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर का सम का रूट ठीक है कुछ इस तरीके से होगा तो सॉल्व कर देते हैं एक बार सो इट विल बी लाइक न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व कर दो और डिनोमिनेटर पार्ट सॉल्व कर दो न्यूमरेटर पार्ट को एज इट इज इस दो तो एक बार तो इसकी वैल्यू क्या होगी बस इसको एक बार अपन रफली सॉल्व करते हैं ठीक है तो टू प्लस लेमडा ए प्लस बी के होल स्क्वायर से करोगे तो एक तो लैमडा स्क्वायर निकल के आएगा यहाँ से फिर टू ए बी करोगे तो टू टू या फोर लेमडा निकल के आएगा अब टू का स्क्वायर फोर सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स और फोर फोर्टी माइनस टू का स्क्वायर भी फोर फोर्टी प्लस फोर फोर्टी फोर डन तो अब इसकी जगह ये लिख देंगे हम नेक्स्ट टाइम ठीक है अब लगे हाथ अब अपन क्या करेंगे इस वेक्टर का पहले भी पहले वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट और वो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या है वन है ठीक है हो गया तो होले होले बस जैसे जैसे वो कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ ठीक है उसने कहा इन दोनों को जोड़ो जोड़ दिया उसने कहा उनके उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो निकाल दिया फिर उसने कहा उस यूनिट वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट करो कर दिया फिर उसने कहा उस को वन के इक्वल रखो रख दिया ठीक <laughs> है ना उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा नाउ नाउ इट इज गिवन दैट इट इज गिवन दैट कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट डी कैप क्वल टू वन ये इज है तो इसको बस पुट अप कर इक्वेशन एंड यहाँ से जो भी मिसिंग क्वानिटी टाइम्स आई कैप्लस जे कैप माइनस टू के कैप ठीक है ना ये डिवाइडेड बाय ये भी होगा ना लेमडा स्क्वायर प्लस फोर लेमडा प्लस

इधर लिख देता है ना वैसे भी कॉम्बिटेटिव होता है इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्रॉस में तो फर्क पड़ जाता है ठीक है चलो तो बताओ A क्या है है कैप 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 प्लस इक्वल टू ठीक तो देखो ये तो वैसे भी डिनोमिनेटर पार्ट है उधर जाके वन बनेगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दू मैं इम्प्लाइज तो स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट में टू प्लस लेमडा इन टू वन टू प्लस लेमडा चलो तो करके दिखा देते हैं टू प्लस इंटू वन किया यहाँ पे है ना प्लस देन इंटू वन किया प्लस फिर ये क्या था माइनस था क्या माइनस टू था वन किया माइनस टू इंटू वन किया, किया ठीक है ना और इक्वल टू ये उधर चला गया तो उधर चल वन से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया रूट जो भी है लेमडा स्क्वायर फोर लेमडा फॉर्टी फोर ठीक है इसको सॉल्व करते हैं टू प्लस इंटू वन टू प्लस आउट हुआ बच्चा इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा रूट हटाने के लिए तो होल स्क्सो साइड्स तो इट विल बी लाइक लेमडा प्लस सिक्स का होल स्क्वायर और उधर वो रूट से आजाद हो जाएगा लेमडास्कवायर

ठीक like, so, है क्लोजिंग स्टेटमेंट विल बी लाइक एंड द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लेमडा इक्वल टू वन द वैल्यू ऑफ ले क्यूशन सो एंसर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लेमडा समझ आया सो बस जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं वैसे वैसे करो तो सरल है ठीक है चले नेक्स्ट और सब कुछ करना भी आना चाहिए उसने कहा जोड़ो तो हमको आना चाहिए जोड़ते कैसे उसने कहा यूनिट वेक्टर निकालो तो हमको आना चाहिए तो एक भी स्टेप अगर हमको नहीं आती जो उसने इसमें कहा है तो फिर क्यूशन नहीं। अगर हमने मान लो उसमें पांच स्टेप्स हमने चार स्टेप्स कर लिए ले। लेकिन पांचवीं स्टेप में वो क्या करा है वो मुझे करना नहीं आता तो फिर वो चार स्टेप्स भी वेस्ट हैं ठीक है ना तो कुल मिला के कॉन्सेप्टचुअली हम बड़े तगड़े होने और नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन <laughs> एफ वैक्टर ए पी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर्स क्या होते हैं इसका मतलब क्या वो परपेंडिकुलर तो सुना था तो कुलर और म्यूचुअली परपेंडिकुलर में क्या फर्क है या दोनों एक ही चीज है दोनों एक ही चीज नहीं है यस वेरी गुड देखो आपस में म्यूचुअली का मतलब आपस में तो वेक्टर ए बी सी के पेयर बनाओ तो ए बी का बना बी सी का बना ए सी का बना ठीक है और ये आपस में जो पेयर बने एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ठीक है थीके? अगर मैं म्यूचुअली वर्ड ना लगाऊं तो बच्चा ऐसे ना कर दे अच्छा तीनों ही परपेंडिकुलर है सर ऐसे कर देता हूँ ठीक है इस चीज डेफिनेशन ही डिफाइन ये डिफाइन ही नहीं क्या लिखा है आपने क्योंकि परपेंडिकुलरिटी तो एक बार में दो में दो दोस्टैब्लिश की जाती है तीन में कैसे करते हाँ पैरल अगर होता तो तीन में एक साथ स्टैब्लिश कर लेते हैं पैरेलल वेक्टर सी वो तो मोर देन थ्री मोर देन फोर में भी एक साथ स्टैब्लिश की जा सकती है लेकिन परपेंडिकुलरिटी हम एक बार में दो में इस्टैब्लिश करते हैं तो ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगा ना इसलिए हमेशा परपेंडिकुलर अगर दो वेक्टर से या दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट से ज्यादा गिवन है तो वो म्यूचुअली वर्ड आगे ओके लगाएगा क्योंकि म्यूचुअली वर्ड लगाने के बाद ही वो स्टैब्लिश हो पाएगी जो करेक्ट डेफिनेशन है समझ आया तो कंफ्यूज नहीं होना बस म्यूचुअली लिखा आ जाए तो समझ लेना कि एक बार में दो एक पेयर बनाना है एक बार में दो को लेना है ठीक है दैट मीन ए बी के साथ परपेंडिकुलर है बी सी के साथ है और ए सी के साथ परपेंडिकुलर अच्छा तीनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है वेक्टर वेक्टर ए बी यूनिट है नहीं इक्वल मैग्नीट्यूड है यूनिट नहीं है इक्वल है मतलब इसका 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 तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है ठीक है अब वो मैग्नीट्यूड क्या है वो नहीं पता अब शो करो कि ए प्लस बी प्लस सी एक ऐसा वैक्टर बनेगा इन तीनों को जोड़ दू ए को बी को सी को तीनों को जोड़ दू तो एक रिजल्ट एंड वैक्टर डी बनेगा तो वो वैक्टर डी जो है इन ए बी सी के साथ इक्वली इंक्लाइन होगा मतलब इस डी का ए के साथ जो एंगल होगा वही डी का बी के साथ होगा वो डी का सी के साथ होगा समझ आया एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट तो डॉट प्रोडक्ट करना ज्यादा आसान रहेगा तो यानी कि ए डॉट डी से आप कॉस्थिटा निकालो बी डॉट डी से भी आप कॉस्थिटा निकालो और सी डॉट डी से भी आप कॉस्टिटा निकालो तो वो थीटा वो जो कॉस्थिटा आएगा वो सेम आएगा तभी तो माना जाएगा एंगल इक्वल ठीक है चलो तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से खतरनाक इसलिए लगते हैं क्योंकि इनकी कोई कंपोनेंट फॉर्म नहीं गिवन है सोल्व करने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और ज्यादा स्ट्रांग इसमें जिसमें सोल्व करने के लिए कुछ है उसमें तो हम कुछ कुछ तो करते ही एटलीस्ट जोड़ देते हैं घटा देते हैं गुणा कर देते हैं इसमें क्या करें ठीक है चलो तो अगेन मैंने क्या कहा इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ के बस पुट किए जाओ जैसे उसने क्या कहा ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर से इक्वल मही तो पहली लाइन हमने पढ़ी हेयर इट इज गिवन दैट It is given that. पहली चीज यह गिवन है कि तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो कैन आई राइट इट एस मैगनीट्यूडर एक्वल टू मैग्नीट ऑफ एक्टर बी इक्वल टू मैगनीट वो इक्वल टू क्या वो नहीं पता मुझे तो सबसे पहले तो इक्वल मैग्नीट्यूड वाला स्टेटमेंट हमने मैथामेटिकली ईजी भाषा में लिख दिया अब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ऑल्सो इट इज गिवन दैट

अब मुझे बताओ अगर ए परपेंडिकुलर बी है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो तो से मैं तीन इक्वेश बना देता हूं इम्प्लाइज वैक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वैक्टर बी इक्वल टू जीरो एंड वैक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वैक्टर सी इक्वल टू जीरो एंड वैक्टर ए डॉट प्रोडक्ट क्योंकि वेक्टर्स के बीच में जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है वो तो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या एडिशन ऐसा होता है परपेंडिकुलर होना कोई कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ी ना है तो मैंने उसको परपेंडिकुलर को एक कैलकुलेटिव पार्ट में कन्वर्ट कर दिया जिससे कुछ रिजल्ट मिले मुझे ठीक है ए डॉट पी इक्वल टू जीरो बी डॉट सी इक्वल टू जीरो एंड ए डॉट सी इक्वल टू जीरो डन यहां तक भी कोई डाउट नहीं अब पूछते हैं तेरे को क्या चाहिए जो उसने गिवन था उसके हिसाब से जो जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया अब पूछते हैं उसको क्या चाहिए उसको चाहिए कि एक वेक्टर है जो इन तीनों का सम है डी

द सम ऑफ वैक्टर्स ए ए बी एंड सी इज गिवन बाय ए, कॉमा, बी एंड सी इज गिवन बाय वैक्टर डी का नाम दे दे, दे उसको डी बराबर ए प्लस बी प्लस सी ओके अब इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है एक एक के साथ सर डॉट प्रोडक्ट क्यों करवा रहे हो क्योंकि एंगल चाहिए तो एंगल आप दो तरीके से निकालते हो डॉट और या क्रॉस अब तो क्रॉस का तो कोई दूर दूर तक जब कंपोनेंट फॉर्म ही नहीं गिवन है तो क्या डिटर्मिनेंट बनाएंगे अपन है ना तो स्टेटमेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट ही सरल रहता है इवन अगर कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो तो भी डॉट प्रोडक्ट ही इजी तरीका है एंगल निकालने का ठीक है ना तो ए और डी के बीच का एंगल निकालना है मुझे है ना तो नाउ नाउ एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन किस किस के बीच में ए और डी है ना ए और डी वेक्टर ए एंड वेक्टर डी इज गिवन बाय cos theta equal to अब लेट्स से तीन एंगल हैं तो theta मतलब अल्फा बीटा गामा ले लो क्योंकि वैसे तो इक्वल आएगा तीनों का एंगल लेकिन हमको तो प्रूव करना है ना कि इक्वल आएगा तो हम पहले से कैसे डिक्लेयर कर देंगे तीनों थीटा होंगे तो हमको तीन अलग अलग लेटर्स लेने पड़ेंगे तो अल्फा बीटा गामा ए और डी के बीच में अल्फा बीटा कामा अल्फा बी और डी के बीच में बीटा एंड सी और डी के बीच में गामा सो इज गिवन बाय अल्फा कॉस अल्फा और कैसे निकालते थे एंगल याद है कुछ ए डॉट डी ए डॉट डी डी ए और डी के बीच में है ना डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ डी इनमें से कोई भी यूनिट फैक्टर नहीं है ना चेक करो नहीं ठीक है तो किसी का मैग्नीट्यूड वन तो नहीं ये ऐसे निकलेगा अब इसको सॉल्व करें तो ए क्या है हमारे हमारे पास पास पता नहीं D क्या है ए प्लस बी प्लस सी अच्छा एक निकाल दो तो बस फिर बाकी में तो हिंट मिल जाएगा है ना डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी राइट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर का मतलब क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी डी की वैल्यू रख दी मैंने ठीक है ठीक है ओके ऐसे ही करोगे चलो अब नीचे चलो तो ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ ए डॉट ए ए डॉट ए फिर ए डॉट बी फिर ए डॉट सी ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर तो होता, होता है और ए डॉट बी और बी डॉट सी ए डॉट बी और ए डॉट सी तो जीरो चेक करो ए डॉट बी जीरो C, जीरो, तो जीरो प्लस जीरो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ए प्लस बी प्लस सी तो नेक्स्ट स्टेप में मैं जीरो जीरो भी हटा दूंगा हटा दूंगा अभी से ही तो इसको मैं सेंटर पे ले लेता हूँ ये फाइनल आंसर आ गया मेरा अब इसमें ए और बी और सी आएगा पता होगा तो मैं आगे प्रोसेस करूंगा नहीं तो नहीं पता है तो इसके आगे तो मैं प्रोसेस कर ही नहीं सकता ठीक है इसी तरीके से कॉस कॉस अल्फा आ गया ये तो कॉस बीटा आप शॉर्ट में निकालो है ना तो मुझे बताओ यही एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर डी वेक्टर बी एंड वेक्टर डी इस गिवन बाय कॉस बीटा इज गिवन बाय कॉस बीटा और कॉस बीटा अब आप आपको कैलकुलेशन सारा यही करना है एग्जाम में लेकिन आप खुद इमेजिन करो ये ए की जगह बी आ जाएगा तो बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी तो बी डॉट ए तो ज़ीरो बी डॉट सी तो जीरो और बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ रहा है स्वायर में वो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ का स्क्वायर अच्छा डिनोमिनेटर चेक करते हैं तो यहाँ पे A की जगह बी तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी और अंदर वही डी का डी का तो वही रहेगा ना ऐसे कुछ होगा और लगे हाथ फिर ए का डी के साथ हो गया बी का डी के साथ हो गया तो सी का डी के साथ भी ऐसे ही हम अज्यूम कर लेते हैं उसको हम कॉस गामा का नाम दे देते हैं राइट का सी डॉट जैसे पहले इक्वेशन में आपने ए डॉट बी और ए डॉट सी जीरो लिखा तो यानी इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री से मिला फिर सेकेंड इक्वेशन में आप क्या लिखोगे बी डॉट ए और बी डॉट सी जीरो लिखोगे तो बी डॉट ए इक्वेशन वन

मैग्नीट्यूड ऑफ ये वाला पोर्शन तो तीनों में कॉमन है ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस सी यस अच्छा इसको काट भी तो सकते हैं ये स्केलर क्वांटिटीज भी तो हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो आप हर एक स्टेप में इक्वल टू इक्वल टू करके फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे तो ये इससे स्क्वायर टाइम्स कट जाएगा ये इससे स्क्वायर है तो कट जाएगा स्केलर क्वांटिटीज होते हैं ऊपर अगर फाइव का स्क्वायर है तो नीचे फाइव है ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ उसको हटाई देता हूँ पर नेक्स्ट स्टेप में करना आपको यहां से भी हटाई देता हूँ इस चीज पे पहले नजर नहीं गई हमारी ठीक है ना अब तो कोई दिक्कत नहीं अब मुझे बताओ डिनोमिनेटर सबका सेम न्यूमरेटर भी सबका सेम क्योंकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है पहली ही इक्वेशन कहती है इक्वल मैग्नीट्यूड से रहते हैं तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सेम तो अल्फा बीटा गामा सेम तो इंक्लिनेशन सेम प्रूव मजा आया ठीक है so, सो मैं इसके बाद क्या करूंगा देखो आपने जो भी इक्वेशन मार्क करी हो जैसे इक्वेशन वन टू थ्री तो आप कह रहे हो भैया हमने उनको मार्क कर दिया तो लेट से इसको हम इक्वेशन वन टू थ्री तो नहीं फर्स्ट तो ही पहली इक्वेशन को मार्क करना इसको भी तो यूज लोगे ना फिर इक्वेशन वन ये हो गया तो टू थ्री फोर तो फिर ये क्या हो जाएगी फाइव सिक्स सेवन अब मैं क्या लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन वन फाइव सिक्स सेवन चारों को इक्वली एक साथ रीड कर रहे हैं हम तो वन में पता चला इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है फाइव सिक्स सेवन में, में ये अलग अलग रखे मैं तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन फाइव इक्वेशन सिक्स एंड इक्वेशन सेवन वी गेट यहां से हमको क्या पता चलेगा कि कॉस अल्फा इक्वल टू ये कॉस अल्फा

दैट वैक्टर डी यानी कि वैक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इनक्लाइंड इज इक्वली इंक्लाइं टू वैक्टर ए कॉमा बी एंड सी रूट डन इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा ले बट ही दिए ठीक है अगेन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए हाँ यहाँ से देखो कॉस अल्फा किस किस के बीच का एंगल है ए और डी के तो ए तो एज इट इज कैसे भी दो वेक्टर्स के बीच तो का एंगल कैसे निकालते हैं उनके डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट तो ए और डी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और डी की वैल्यू क्या तीनों का सम ठीक है फिर आप क्या करोगे सबका सबसे डॉट प्रोडक्ट तो ए डॉट ए ए डॉट बी ए डॉट सी तो ए डॉट ए क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर अभी हमने किया था फिर डिलीट कर दिया ये दोनों जीरो जीरो ठीक है ना और नीचे एक सिंगल मैग्नीट्यूड ऑफ ए है ऊपर स्क्वायर है तो कट के ऊपर सिंगल रह गया और नीचे ए प्लस वी प्लस ही रह गया तो कॉस अल्फा निकाला ए और डी के बीच में तो ऐसा निकला कॉस बीटा निकालेंगे बी और डी के बीच का एंगल तो जहां मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ रहा था वहां बी रह जाएगा और फिर गामा के केस में सी रह जाएगा अब ये तीनों क्वांटिटी सेम है या नहीं ये तो चेक करना है तो डिनोमिनेटर तो तीनों का सेम है कॉस अल्फा की वैल्यू ये है कॉस बीटा की वैल्यू ये है कॉस्कामा की वैल्यू ये है तो डिनोमिनेटर तो तीनों का सेम है न्यूमरेटर अलग है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वो वो सेम पहली इक्वेशन लिख के लाए तो न्यूमरेटर भी सेम डिनोमिनेटर भी सेम तो तीनों की वैल्यू सेम कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस्कामा अब अगर तीन एंगल्स के ऊपर कॉस लगाते हैं और वो सेम आता है तो एंगल्स भी सेम ही होंगे एंगल सेम होंगे तो एंगल्स क्या आते हैं अल्फा बीटा कामा क्या आते हैं अल्फा था ए और डी के बीच का एंगल बीटा था बी और डी के बीच का एंगल गामा गामाता सी और डी के बीच का एंगल यानी वेक्टर डी तीनों वेक्टर से सेम एंगल बनाता है तो वेक्टर डी जो है तीनों एंगल से तीनों वेक्टर से है ठीक है प्रू हो गया अच्छा यहाँ पे कोई कंपोनेंट फॉर्म नहीं गिवन है तो इसको एज अ रिजल्ट हम आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स कि दुनिया का कोई भी वैक्टर हो ए बी सी कैसा भी हो पर तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए अगर इसका मैग्नीट्यूड पांच है तो इसका भी पांच इसका भी पांच अब अगर मैं तीनों को जोड़ दू अगर मैं क्या करूँ तीनों को जोड़ दू तो वो तीनों से अलग अलग जो एंगल बनाएगा वो इक्वल होगा तीनों से अलग अलग जो वो एंगल बनाएगा वो इक्वल होगा आप इसको वो क्यूब वाले एग्जाम्पल से भी देख सकते हो कि हमने ओरिजिन से जितने कदम एक्स एक्सिस पे आए वेक्टर ए इसको मान लो उतने ही कदम वाई एक्सिस पे आओ वेक्टर बी इसको मान लो और उतने ही कदम जेड एक्सिस पे आओ उतने ही कदम वैक्टर जेड एक्सिस पे आओ तो हम आ गए स्पेस में ठीक है ना अच्छा उतने ही कदम क्यों चलना है क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और सर आप ए बी सी कोई भी वैक्टर से तो आप एक्सिस एक्सएक्स एक्सिस एड एक्सिस के ही क्यों चल रहे हो वैक्टर ए एक्स एक्सिस हो सकता है वैक्टर बी भी तो एक्स एक्सिस के हो सकता है और वैक्टर सी कोई किसी और एक्सिस के अलग या जरूरत ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी तो चल सकता है वो इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो स्पेस के अंदर ऐसे तीन वैक्टर सोच रहे हैं जो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक्सएक्स एक्सिस एड एक्सिस ही होगा ना हालांकि और भी है लेकिन और तो फिर टेढ़े मेढ़े स्पेस में इमेजिन करना मुश्किल है स्पेस में एक वेक्टर ऐसा हो सकता है ऐसा ऐसा ये भी परपेंडिकुलर है म्यूचुअली है ना ऐसा ये परपेंडिकुलर मान लो हवा में लटक रहा है कुछ ऐसा नहीं ऐसा होगा फिर तीनों में वैक्टर्स भी हो सकते हैं बट हमको थोड़ा इतना डिटेल में हम सोच सकते नहीं सोच सकते तो स्टैंडर्ड क्या है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तीनों आपस में होती हैं एक्सिस तो इन्हीं के अलॉन्ग वेक्टर्स मान लो तो वो भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो दो कदम इधर दो कदम इधर दो कदम अब मैं इधर आ गया तो ये जो फाइनल वेक्टर बनेगा ऐसा बनेगा डायगनल डायगनल ऑफ ए क्यूब अब आप खुद सोचो कि डायगनल ऑफ ए क्यूब उस एक्स एक्सिस वाले वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगी और उस वाई एक्सिस वाले वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगी और उस जेड एक्सिस वाले एंगल के साथ जो वेक्टर बनेगी बराबर होगा नहीं होगा होगा ना होगा ना कुछ भी एंगल बन रहा होगा वो बराबर ही बन रहा होगा ठीक है ठीक है चले कर दो डिलीट ठीक है ना क्यूब के अंदर इमेजिन करना पड़ेगा सर जैसे सपोज करो ये क्यूब है और क्यूब का डायगनल आएगा ए प्लस वी प्लस सी मैंने भी करके देखा था तो लेट से ये ए प्लस वी प्लस सी ये वाला वेक्टर बना हमारा ये वाला ये डायगनल वाला वेक्टर बना इधर से इधर है ना तो ये जो वेक्टर है इस एक्सिस के साथ इस वाई एक्सिस के साथ और ये जो जेड एक्सिस बन रही है जो दिख नहीं रही है ये ये है वाई एक्सिस के साथ और ये जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो इक्वल बनेगा ठीक है चलो आओ 15 देखो लास्ट है उसके बाद तो फिर हमसे क्यूज है तो मैग्निट्यूड ऑफ ए स्क्स बी स्क्वायर होता है वैसे नहीं होता बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इसका आंसर ये मानना है पर ऐसा कब होगा इफ एंड ऑनली इफ वैक्टर ए और बी परपेंडिकुलर हो और वैक्टर ए जीरो वैक्टर ना हो वैक्टर बी जीरो वैक्टर ना हो ठीक है तो हम क्या करते हैं हमको जो गीवन है इसको उठा लेते हैं इससे रिजल्ट निकालते हैं तो इससे रिजल्ट ऐसा निकलना चाहिए कि ये परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर कब होते हैं जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है या तो ये प्रूव कर दो या इनके बीच का दोस्ट थीटा नाइनटी डिग्री परपेंडिक नहीं है हम ऐसे लिखेंगे हेयर ये जीरो वैक्टर नहीं है ए बी तो और बी भी जीरो वैक्टर नहीं है तो दोनों को नॉन जीरो नॉन जीरो रो वैक्टर्स ए एन बी एंड बी ठीक है ना दैट इज ब्रैकेट में लगा दो नॉन जीरो वैक्टर ए एंड बी का मतलब है दैट इज वैक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो वैक्टर ठीक है ना एंड वैक्टर बी इज ऑल्सो और नॉन जीरो वैक्टर होते क्या है बताओ जीरो वैक्टर और नॉन जीरो वैक्टर क्या होते हैं क्या मतलब होता है जीरो वेक्टर क्या होता है नॉन जीरो वेक्टर क्या होता है हम्म जीरो वेक्टर की परिभाषा हम्म यानी जिसकी लंबाई ना हो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो वही तो जीरो वेक्टर तो ये वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है इसकी कुछ तो लंबाई है तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकता वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट कुछ भी होगा तो यहां से मैं रिजल्ट भी ले सकता हूँ कि इम्प्लाइज वैक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं है कुछ तो है नॉट इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू ठीक है ना इट इज गिवन दैट इट इज गिवन दैट और फिर जो भी गिवन है उसको मैं लिख दूंगा ये ये रिलेशन गिवन है ओके okay? अब इसको सॉल्व करते जाओ है ना इम्प्लाइज तो ए प्लस बी का ए प्लस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ही आ रहा है तो आप तो वही करो जो करते थे ए डॉट ए ए डॉट बी बी डॉट ए बी डॉट जैसा भी आपको इंस्ट्रक्शन थे तो सबसे पहले क्या करूंगा ए डॉट ए प्लस ए करना सारे स्टेप्स के साथ है ऐसा नहीं कि सर ए प्लस बी ए प्लस ब्लस बी के होल स्क्वायर को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं नहीं वो रियल नंबर्स में करते थे वेक्टर्स में भी करीब करीब वही होता है डॉट प्रोडक्ट के केस में वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करीब करीब रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन की तरह मैच करता है लेकिन सीधा कर नहीं सकते ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्वायर आएगा तो वही पर फिर भी स्टेप बाय स्टेप करना है ठीक है ए डॉट बी फिर बी डॉट ए लास्ट में बी डॉट इक्वल टू जो भी गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर डन ठीक है ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर ए डॉट बी बी डॉट ए कॉम्पिटेटिव होते हैं तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी रीजन लिख देना बिकॉज वी नो दैट ए डॉट इक्वल टू बी डॉट ए और बी डॉट बी बी मैगनीट ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू जो भी लिखा हुआ है मैगनीट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैगनीट ऑफ बी का स्क्वायर डन मैगनीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर से मैगनीट ए का स्क्वायर खत्म ऑफ बी के स्क्वायर से बीवाइस ऑफ ए डॉट बी जीरो आ गया ए डॉट बी जीरो आ गया ओके okay. ये स्केलर क्वांटिटी अभी स्केलर क्वांटिटी टू उधर भी जा सकता है डिवाइडेड बाय टू तो जीरो डिवाइडेड बाय टू जीरो तो सिंपली ए डॉट पी जीरो आ गया अब ए डॉट पी क्या होता है बताना ज़रा अब ऐसे तो ए डॉट पी अगर जीरो है तो ए और बी परपेंडिकुलर है यहाँ से भी देख सकते हो लेकिन ए डॉट पी जीरो है तो ए डॉट बी जीरो है तो ए और बी परपेंडिकुलर हो इसकी गारंटी नहीं है पर ए और भी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी जीरो होने की गारंटी है क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो तो तीन तरीकों से हो सकता है वेक्टर ए को जीरो वेक्टर करो उससे भी हो जाएगा वेक्टर बी को जीरो वेक्टर करो उससे भी हो जाएगा और दोनों के बीच में एंगल डिग्री करो उससे भी हो जाएगा तो यहाँ से तो तीन रिजल्ट आएंगे लेकिन उल्टा कहूँ कि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हंड्रेड परसेंट डॉट प्रोडक्ट जीरो वर्षा नहीं है तो इससे तीन रिजल्ट्स निकालो आप इसका अच्छा इसको खोल दो ए डॉट बी क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय थी थीटा यही तो होता है इक्वल टू जीरो तो यहां से तीन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो है दैट मीन या तो भैया टू जीरो है जो कि नहीं है साफ साफ दिख रहा है या फिर आप जीरो हो या फिर थीटा जीरो है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो साफ साफ दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो साफ साफ दिया तो भैया तेरा ही नंबर लगेगा टू ही जीरो है टू ही जीरो है दैट एंगल नाइंटी डिग्री ठीक है ना तो so, मैं क्या लिखूंगा बट इट इज गिवन दैट But it is given that magnitude of a is not equal to zero and magnitude of b is also not equal to zero. So उसके नीचे लिखना भी लाइन सो so, मैं यहाँ लिख रहा हूं सो so, पॉस्थीटा ही जीरो होगा होगा theta जीरो होगा तो थीटा नाइन्टी डिग्री होगा ठीक है ना एम्प्लाइज A is to D. उसने कहा था ये तभी होगा एक ही शर्त परुलर नहीं तो ये हो ही नहीं सकता ए और बी नॉन जीरो देखो पढ़ो प्रूफ दैट इफ एंड ऑनलिफ इफ एंड नॉन का मतलब और कोई तरीका ही नहीं इसको करने का वाकई में और कोई तरीका नहीं है वैसे तो तीन तरीके थे इसको जीरो इसको जीरो इसको जीरो, इसको जीरो लेकिन ये दोनों भी फिर जीरो नहीं है, तो फिर एक ही तरीका बचता है फिर और कोई तरीका नहीं बचता ठीक है समझ आया आखिरी में हम रूट लिख देंगे वॉट है आर पर ठीक है, चलो एमसी क्यूज पे आते हैं बराबर तीन चार एमसी क्यूज है पहला एमसी क्यू है थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी ए डॉट पी अगर जीरो से बड़ा है तो फिर थीटा कहां से कहां वेरी करेगा राइट ए डॉट जीरो नहीं है जीरो से बड़ा है ठीक है ए डॉट भी तो एक स्केलर जीरो, भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है जीरो से छोटा भी हो सकता है, बट इस केस में स्पेसिफिकली वो जीरो से बड़ा ही लेना है तो जब बड़ा लोगे तो ए और बी के बीच का जो एंगल थीटा है वो कैसा होगा हमको ये हमको सोच चलो रखना पड़ेगा चलो ए डॉट बी जीरो से बड़ा है इसको एक्सपेंड करते हैं ए डॉट बी का मतलब अब मैग्नी और मैग्नीट ऑफ बी तो वैसे भी जीरो या जीरो से बड़े ही होते हैं मैग्नीट्यूड जीरो से छोटा हो सकता है क्या तो मैग्नीट ऑफ ए तो ग्रेटर टू जीरो होता ही है एंड मैग्नीट ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो ये इन दोनों पे तो शक ही नहीं है तो शक केवल उस पर वो ही अकेला आदमी था जो उसको नेगेटिव बना सकता था ये दोनों तो कभी नेगेटिव बना ही नहीं सकता जल्द जीरो बनाएंगे पर नेगेटिव तो बना ही नहीं सकते तो ये दोनों तो वैसे भी होते हैं तो आप बस कॉस्ट थीटा ग्रेटर टू जीरो को सॉल्व करो उसको तो सॉल्व करने से मतलब वो जो अंडरस्टूड इसको क्या सॉल्व करना ठीक है ना ठीक है तो कॉस्ट ये लिख देना वी नो दैट वी नो दैट कि ये तो हमेशा ही होता है ठीक है ना तो सो थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और थीटा जीरो या जीरो से बड़ा चाहिए तो थीटा कहाँ से कहा वैरी करेगा वो आपको सोचना है तो थीटा जीरो या जीरो से बड़ा यानी कि पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव आ, हमको जीरो से वन एटी डिग्री के बीच का क्वाड्रेंट्स लेने होते हैं इसके डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है लेकिन आपको पॉजिटिव ही रखना है दैट मींस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और जीरो भी हो सकता है तो जीरो हो सकता है तो नाइनटी डिग्री भी हो सकता है तो जीरो से बाय बाय फर्स्ट मैच करो आंसर बी बी ऑप्शन समझ आया अच्छा जीरो ना कहता कि भैया जीरो नहीं कर सकते ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होता है ना तो इक्वल टू अगर नहीं होता तो यहां भी नहीं होता तो अब फिर वो जीरो नहीं हो सकता नहीं पाए बाय टू नहीं हो सकता फिर वो पाए बाय टू नहीं हो सकता था तो क्योंकि पाए बाय टू पे वो जीरो होता है फिर ऑप्शन नंबर क्या आता फिर ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ नहीं है नहीं डी में पाए है बेटा है ना ऑप्शन इसमें दिए नहीं ए में फिर जीरो के बराबर तो हो सकता है ना ठीक है ना पाए बाय टू के बराबर नहीं तो इसमें ऑप्शन बी बनिए तो वैसा ऑप्शन भी सेलेक्ट करना पड़ सकता है तो रेडी देना उसके लिए ठीक है एनी वे देखते हैं इफ फैक्टर ए एंड बी आर बी टू यूनिट फैक्टर्स ए और बी यूनिट फैक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू वन यूनिट बस पढ़ते ही सबसे पहले तो ये लिख दिया करो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड क्वल टू वन यूनिट आगे बढ़ते हैं थीटा एंगल एंगल बिटवीन बिटवीन इन दोनों के बीच का है तो ए प्लस बी भी यूनिट यूनिटर होगा कब होगा ए प्लस बी भी यूनिटर कब होगा ऐसा आपसे पूछा गया तो ए इस टाइप का कभी भी कुछ क्वेश्चन जीवन हो ना तो उसका उसी से डॉट प्रोडक्ट करने की कोशिश किया करो ठीक है ना तो ए प्लस बी का ए प्लस बी से ही डॉट प्रोडक्ट करते हैं देखें क्या होता है तो किसी भी वैक्टर का खुद ही से ही डॉट प्रोडक्ट उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है और ये ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड वन है क्योंकि ए प्लस बी एक यूनिट फैक्टर है ए प्लस यूनिट एक्टर है बीबी यूनिट फैक्टर है और दोनों का सम भी यूनिट फैक्टर समझ गए यूनिट 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 सम भी ऐसा कब होगा ऐसा सोच रहा है वो तो वन का स्क्वायर यानी कि वन ठीक है तो अब इसको अलग अलग करो ए डॉट ए ए डॉट ए अभी जैसा कराया था

ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस वन और डिवाइडेड तो करो मैगनीट एंटू cos थीटा जहाँ पे थीटा दोनों के बीच का एंगल है क्लियरली ऊपर गिवन है। है और कुछ अल्फा बीटा गामा कहता तो वो रख देता माइनस वन बाय टू मैग्नीट ऑफ ए और बी तो अगेन वन वन है तो वन इंटू वन इंटू कॉस्थीटा इक्वल टू माइनस हाफ यानी कि अब कॉस को नेगेटिव रखना है तो नेगेटिव सेकंड क्वार्टेंट में रहेगा वैसे तो थर्ड में भी रहता है लेकिन हमारी पोजीशन फर्स्ट सेकंड के बीच में ही रहती है इस फैक्टर्स वाले चैप्टर्स में तो थीटा ऐसे लिखो उसको जैसे अपन ट्रिग्नोमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे कॉस थीटा इक्वल टू माइनस पॉजिटिव सैनिक दो और वन बाय टू कब देता है सिक्सटी डिग्री पे यानी कॉस फाइव बाय थ्री ठीक है अब माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो इट इज लाइक कॉस फाइव माइनस फाइव बाय थ्री सेकंड क्वार्टर में ही तो होता है वो नेगेटिव तो इट इज लाइक कॉस टू फाइव बाय थ्री तो कॉस थीटा अगर टू पाई बाय कॉस टू पाई बाय थ्री है तो थीटा क्या हो जाएगा टू पाई बाय थ्री यानी कि एक सौ बीस डिग्री एक सौ बीस डिग्री होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर समझ आया चले नेक्स्ट में ऑप्शन डी क्वेश्चन एटीन द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी ये काफी सरल से क्वेश्चन होते हैं बस आपको जो रिजल्ट लिखाए थे क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट उनका एक टेबल बनवाई थी उसको बस ध्यान से पढ़ लो क्या करेंगे हम हम आई डॉट आई कैप को एज इट इज छोड़ देते हैं डॉट क्रॉस क्या होता है बोलो? I होता है है बोलो कैप का का के के साथ K का, uh, I के साथ मतलब आपस में म्यूचुअली क्रॉस करवाते हैं तो तीसरी एक्सिस का प्रोडक्ट वेक्टर uh, निकल के आता है दोनों से परपेंडिकुलर बस ये सीक्वेंस में होनी चाहिए सीक्वेंस में नहीं है तो फिर नेगेटिव निकल के आएगा तो जे के बाद ही आता है सीक्वेंस में तो ये पॉजिटिव आया पॉजिटिव आया प्लस जे कैप अब आई और के सिक्वेंस में नहीं है ना एक जंप मार रहा है बीच में जे रह गए हम क्या करेंगे माइनस डॉट प्रोडक्ट करवाना है इसका माइनस आई और के, के साथ जे ही बनेगा और माइनस का बनेगा ओके प्लस के कैप आई और जे सिक्वेंस में है तो के कैप के कैप अब इसकी वैल्यू चाहिए थी देट मीनस इसकी वैल्यू चाहिए वैल्यू निकालिए इसकी तो आई डॉट आई तो यानी कि आई वन ही होता है खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट ठीक है ना आई के आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन होता है तो जे डॉट माइनस जे माइनस वन

मॉडुलस ये मॉडुलस मैग्नीट्यूड नहीं है क्योंकि स्केलर का कभी मैग्नीट्यूड नहीं होता स्केलर तो अपने आप में मैग्नीट्यूड है तो मैंने क्या बताया था अगर आपको किसी रियल नंबर के आगे दो डंडे लगे हुए तो उसको मॉडुलस मानना है याद है रियल नंबर के आगे डंडे लगे हुए हैं तो मॉडुलस मानना है वेक्टर क्वांटिटी के आगे डंडे लगे हुए हैं तो मैग्नीट्यूड मानना है तो मैग्नीट्यूड मानना ठीक है थीके? चलो तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटीज में बराबर हो तो एंगल कैसा होगा बीच में ऐसा अपने को सोचना तो हाँ थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है और तो एंगल कैसा रखू मैं दो वेक्टर्स के बीच में कि डॉट प्रोडक्ट भी बराबर आ रहा है क्रॉस तो प्रोडक्ट भी बराबर आ रहा है ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है फोर्टी फाइव डिग्री तो सरल सा रिजल्ट है इसको अगर अपन को सब्जेक्टिव पेपर की तरह एक्सपेंड करना कॉस और साइन बराबर होनी चाहिए सही बात तो यह है ना देखो इसको सब्जेक्टिव पेपर की तरह अगर अपन मान लो आ जाए एक आध नंबर का तो वहाँ पे एम सी की उसमें तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख ही लोगे और तुक्का भी लगा देते हैं कॉस्थीटा साइन जिला चलो ए डॉट बी क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन टू कॉस्थीटा और इसका मॉडुलस चाहिए इसका क्या चाहिए मॉडुलस इधर आओ और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मैग्नीट्यूड किसका चाहिए आपको वेक्टर ए वेक्टर बी और साइन थीटा इन साइन थीटा और इंटू एन कैप ऐसे करोगे साइन थीटा एन कैप ठीक है ओके अब देखो इस ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इतना हो जाएगा कैप हटा दो क्योंकि कैप उसकी डायरेक्शन है तो बची हुई चीज उसकी मैग्नीट्यूड है तो अब डंडे भी हटा दो जब मैग्नीट्यूड निकल गया तो लेकिन इधर डंडे अभी भी कायम है क्योंकि वहां तो मॉडुलस है अब मॉडुलस से जब चीज़ें बाहर आती हैं तो प्लस और माइनस दोनों हो सकती हैं लेकिन मैग्नीट्यूड कभी भी माइनस नहीं हो सकता तो इसको तो एज इट इज बाहर निकालो तो कॉस्ट ही चाहिए अकेला जो नेगेटिव हो सकता है उसको रखो अंदर ठीक है उधर तो नो नो अदर ऑप्शन उधर तो कुछ करना ही नहीं है करे क्योंकि उधर तो वैसे ही है और मैग्नीट्यूड नेगेटिव ऐसे नहीं होगा साइन थीटा कोई डाउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए से मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मैगनीट्यूड ऑफ बी कैंसिल आउट तो फाइनल इक्वेशन कि कॉस थीटा का मॉडुलस साइन थीटा के बराबर है तो थीटा क्या होगा ना अब देखो कॉस कौन कौन से क्वार में पॉजिटिव नेगेटिव मतलब फर्स्ट क्वार में पॉजिटिव सेकेंड में नेगेटिव साइन थीटा तो पॉजिटिव फर्स्ट सेकेंड दोनों में वैसे भी पॉजिटिव है तो यहाँ तो थीटा कुछ भी रखो आर तो पॉजिटिव ही रहेगा थीटा कुछ भी रखो थीटा आप फर्स्ट और सेकंड के अलावा रख भी नहीं सकते क्योंकि पाबंदी क्या है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा लेस देन वन एटी लास्ट वन एटी तक ही ले सकते हैं अपन और उससे बाद आया तो फिर उल्टा एंगल देखना होता है तो थीटा कुछ भी रखो फर्स्ट या सेकेंड क्वार्ट से आर तो पॉजिटिव क्वान्टिटी ही रहेगा ठीक है इधर आओ अब अगर आपने थीटा पॉजिटिव रखा तो एल भी पॉजिटिव रहेगा लेकिन अगर आपने थीटा नेगेटिव रखा तो भी एल पॉजिटिव रहेगा क्योंकि मॉडुलस है ना ठीक है तो कुल मिला के हम थीटा क्या क्या रख सकते हैं ये हमको सोचना है तो देखो थीटा में पाई बाय फोर तो रख सकता हूँ चलो रख के देख लेते हैं ना फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में से ही तो रख के देखना है no. तो आप इस तरीके से रख के भी देख सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय फोर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाय फोर आएगा राइट पाई माइनस पाई बाय फोर यानी कि थ्री पाई बाय फोर आएगा राइट तो अगर मैं पाई बाय फोर रखूँ यहां पर भी यहाँ पर भी तो उससे तो ये दोनों वैल्यूज बराबर आएंगे हंड्रेड परसेंट आएगी कॉस पाए बाई फोर बाय टू वन बाय टू का मॉड्यूलस और साइन बै फोर पे तो डाउट ही नहीं जिस पे डाउट की तो बात करते हैं थ्री पा बाई फोर रखने से क्या ये वैल्यू बराबर आएगी या नहीं आएगी ये सोचना है मुझे है ना तो इधर रखा मैंने थ्री पा बायोर इधर भी रखा मैंने थ्री पा बाई फोर कॉस थ्री पा बायो मॉड्योर तो साइन थ्री पा बायोर तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव है तो वही वन बाय रूट टू तो हर हाल में वैसे ही वन बाय टू था अब ये जो है नेगेटिव माइनस वन बाय टू आएगा क्या आएगा माइनस वन बाय टू और उसका भी मॉडुलस जो कि अगले स्टेप में क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो अभी भी तो ये इक्वेट हो गई दैट मीन्स हम थीटा थ्री पाए बाय फोर भी रख पा रहे हैं तो थीटा की यहाँ पे दो वैल्यूज हैं या तो पाए बाय फोर या थ्री पाई बाय फोर बट क्योंकि एमसी क्यूज है तो ऑप्शन में जो है वही आंसर माना चाहिए लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो आपको दो आंसर्स रख ले हैं थीटा एक ही वैल्यू आती पाए बाय फोर क्योंकि कॉस थीटा अब अगर आपने थ्री पाए बाय फोर ले लिया तो मॉडुलस तो लगा ही नहीं रहे हो तो फिर नेगेटिव तो नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव कैसे होगा क्वेश्चन ही सेटिस्फाई नहीं हुई

ए क्रॉस बी का ये डंडे लगे हुए ना ये मैग्नीट्यूड था तो एंड uh, कैप तो उसका डायरेक्शन होती है और बची क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड होता है तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हटाओ यही इसका मैग्नीट्यूड है उधर मॉडुलस है इधर मैग्नीट्यूड है ठीक है चले ओके चलो डन वी आर डन थैंक यू सो मच फॉर लिस्निंग टू अस हैव अ नाइस डे कीप लर्निंग एंड बाय द नेक्स्ट टाइम वी विल मीट वाई दुम डे आफ्टर टुमारो टमारो छुट्टी वुट्टी के लिए कह रहे थे आप लोग नहीं ठीक है तो टुमारो विल बी द टेस्ट इवनिंग में ठीक है चलो तो इवनिंग में आ जाओ सो so, इवनिंग टेस्ट इज फाइनल ना तो मैं रेडी करूँ फिर ओके okay. क्या हुआ आपको मॉर्निंग चाहिए तो आप मॉर्निंग आ जाओ ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों साथ में बैठो अगर आपको मॉर्निंग चाहिए तो आप मॉर्निंग आ जाओ आपको इवनिंग चाहिए आप इवनिंग आ जाओ दोनों के पेपर्स अलग अलग ही रहते हैं वैसे प्रिंटेड एज यू विश पर मुझे बता देना क्योंकि आप मॉर्निंग में आओ बिना बताए गेट ही ना खुले क्योंकि मैं उस हिसाब से फिर अलार्म वगैरह सेट करवा के सोता हूँ ना ठीक है सर थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग टू वर्स आई स्टे की